स्वागत है हमारा वीकेंड लर्न एवरीथिंग चैनल में। आज हम एपिसोड 2 दिखाएंगे आपको केदारनाथ ट्रिप का। तो जैसे कि हमने कल निकले थे होटल से और इस वाटरफॉल केदारनाथ के पास हम लोग आके काफ़ी ठंडे पानी में एंजॉय किए थे, तो आज हम लोग यहाँ से सोनप्रयाग जाएंगे, फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड। तो सुबह निकलते 5 बजे। फाइनली हम लोग निकले हैं ट्रैकिंग के लिए, सो वी आर लीविंग ट्रैकिंग एट द टाइम ऑफ 5। हम लोग यहाँ सोनप्रयाग से शुरू कर रहे हैं जाने के लिए, गौरीकुंड जाएंगे। 4 किलोमीटर का ट्रैवल है, फिर उसके बाद से 21 किलोमीटर का ट्रैवल होगा। तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं यही रास्ता से हम लोग जाएंगे। ये हो गया हमारे मंदाकिनी, यहाँ से जाना है। तो अभी यहाँ पे अंधेरा है, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से चलूँगा ताकि उजाला में आपको मैं दिखाना शुरू करूँगा। तो हम लोग अभी यहाँ से सोनप्रयाग का बॉर्डर जा रहे हैं। भी अच्छा खासा हो गया, ठंड भी है, मास्क पहने रहिए, घूमते रहिए। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे केदारनाथ का, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू करना है। पर वहाँ से जाने के लिए पुल क्रॉस करके हमारे एक जीप मिलेगा, जीप में 30 रुपया दे के हम लोग को वहाँ पे छोड़ेंगे केदारनाथ ट्रैकिंग, जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। फाइनली हम लोग स्टार्ट हो गया है ट्रैकिंग और हम लोग काफ़ी जोरा भी हो गया है, अच्छा भी लग रहा है, ठंडा भी लग रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है केदारनाथ धाम, सभी का स्वागत है। एक पुल क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके एक जीप में बैठ के हम लोग जहाँ से केदारनाथ का ट्रैकिंग शुरू करना है, हम लोग वहाँ तक जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट। रीच करने के बाद हमें ब्रिज क्रॉस करना होगा, 6 o'clock। उससे बेटर लिख देता सुबह स्त्री कल आना। क्यों लिखा ये? यहाँ से हम लोग गाड़ी में बैठेंगे, जीप में, और बैठ के वहाँ तक जाना है। तो सर जल्दी जल्दी चलते हैं, लेट हो रहा है। ये डंडा कहाँ से लोगों को मिल गया? मैं कहाँ पाया था? ना मेरे फोन पे तो वापस जा रहे थे। जब भाई बैठ के हम लोग अब निकल चुके हैं गौरीकुंड से आगे केदारनाथ का ट्रैकिंग शुरू करने के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि रोड कैसा है। अगर आप चाहें तो पैदल भी चल सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप ट्रैकिंग से ही शुरू करें, ताकि आपको 21 किलोमीटर ऊपर तक चढ़ना है। और यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा परेशानी ज़रूर होगा, क्योंकि रोड यहाँ पर थोड़ा सा टूटा फूटा है और जाम भी होता है। तो चलिए चलते हैं।
ऊपर जाने के लिए मंदिर के पास तक आपको एक खच्चर का भी सुविधा दिया जाता है, यहाँ पे आप इससे भी जा सकते हैं। हम लोग अब यहाँ से शुरू करेंगे ट्रैकिंग का कुछ देर में, और आप देख सकते हैं केदारनाथ 16 km लिखा है, बट यहाँ पे फुट ट्रैक 16 नहीं, एक्चुअल में 21 पॉइंट समथिंग पड़ता है। तो यहाँ पे आप स्टिक खरीद सकते हैं ट्रैकिंग वाला, जो 20 रुपये में मिलता है, और हम यहाँ से भगवान महादेव का नाम लेते हुए अपना ट्रैक को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया अपना केदारनाथ का फुट ट्रैक। यहाँ से मैं आपको सारा दृश्य दिखाते जाऊँगा, तो थोड़ा सा गैप गैप करेंगे, ठंडा है, हवा चल रहा है। स्पेशली फॉर गर्ल्स जो अभी आ रहे हैं, 20 रुपये में मिलते हैं, लकड़ा लेके चल सकते हैं, हेलीकॉप्टर से भी घूम सकते हैं। व्यूज़ को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। हमने बस ट्रैकिंग शुरू कर दिया है। वो हो गया हमारा गौरीकुंड, जहाँ से 21 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होगा। हम लोग गौरीकुंड पहुंचेंगे। हम लोग अब गौरीकुंड से ऊपर की ओर चलना शुरू किए हैं, और यहां से आप लोग अगर किसी को कुछ खाना है तो आप यहाँ खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं हल्का फुल्का, और अगर आगे में आपको प्रसाद और कुछ ऐसा चीज़ लेना हो जिस जो भगवान पे चढ़ाया जाए तो ऊपर भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है, लेकिन ऊपर कॉस्टली है तो यहाँ थोड़ा सस्ता मिलता है, तब यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैं सोचा मैं ऊपर से ही लूँगा और मैं चलता हूँ ट्रैकिंग के साथ से रुके हूँ, आप भी देखते रहिए। केदारनाथ का मेडिकल भी है। ओ भाई, यहाँ पे नीचे जाके कुछ लोग नहाते भी हैं और फिर उस पर ट्रैकिंग शुरू करते हैं। अब बगल में मेडिकल शॉप है, अगर लगे कि यहाँ तबीयत डाउन होगा या कुछ होगा तो आप अपने मेडिकल चल ORS वगैरह सब ले सकते हैं। हल्ली भी मिल रहा है। इसको बोलते क्या है, पाली जो टांग के ले जा रहे हैं, पाली का, अच्छा पाल की, हाँ पाली का। और बीच बीच में से देख के भी चलना है, मतलब सामने से ही लगेगा। यहाँ
यहाँ पे लोगों जो चल नहीं पाते हैं उतने अच्छे से, तो ये लोग उनको इस पर बैठा के ऊपर केदारनाथ मंदिर तक छोड़ते हैं, जो काफ़ी मेहनत है ये लोग करते हैं। रोड के जो हम लोग चढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों अगल साइड बगल साइड में सिर्फ शॉपिंग चीज़ें, आप खरीदिए देखिए यहीं तक है, फिर आगे जाके ये सब कुछ नहीं होगा। और पानी बोतल हमेशा साथ रखिए। हमने शुरू कर दिया है चढ़ना और थोड़ा थोड़ा थकेंगे, साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है। दोनों के बीच में थोड़ा सा मार्केट भी है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए सॉरी, लेकिन देखिए काफ़ी मज़ेदार होगा। बहुत सारे ऐसे मंदिर आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे खच्चर है। चलिए हम लोग यहाँ से थोड़ा निकलते हैं था तेजी से। और हर हर महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जय हो शंकरा आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। इस तरह से सामान भी उठा के सब लेके जाते हैं। 50 से 60 किलो रखते हो ना भैया? हाँ जी, हाँ जी। और कितना रुपया लेते हो? 3,000-4,000। ऊपर तक पहुंचाते हो? हाँ हाँ, मंदिर तक। वाह जी भैया, देख रहे हो 3,000-4,000 पे लेके इतने वजन उठा के ले जा रहे हैं। जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंकरा।
से आपको बीच बीच रास्ते में वाटरफॉल देखने को मिलेगा जो काफ़ी सुंदर लगता है, और सावधान भी रहना है क्योंकि पत्थर भी गिरने का चांसेस रहता है। ये बहुत सही है, बीच बीच रास्ते में पानी मिलेगा, नींबू पानी भी मिलेगा, घोड़ा का हमेशा रहेगा। यहाँ पे सब तो आगे गए हुए हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा था और तब वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा क्योंकि अभी हम लोग अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास वॉक किए हैं और अपने सारा आपको दिखाते हुए जा रहे हैं। मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा। लग रही थक गई है। थक गए क्या? डंडा चाहिए? अच्छा बढ़िया। ये लोग सारे मेरे फ्रेंड्स हैं ग्रुप के, सारे सब लोग आगे चल रहे थे तो अब मैं भी इनके पास आ गया। तो आगे जाके हम लोग थोड़ा सा विश्राम करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ समय लगेगा। जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। गौरीकुंड 3 किलोमीटर है, भैरव मंदिर 0.5, घोड़ा पड़ाव 2.5, तो हम लोग जा रहे हैं बसते है भोले शंकर। तो कैसे यहाँ तक पहुँच गए हैं, मुझको तेरी लगन तो पता गिरने का यहाँ भय होता है। सावधानी पूर्वक चलिए। अर्जुन हो के तुझ में मगन, ऊंची ऊंची वादी में शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर, भोले रुद्र रूपा महादेव त्रिकाल। मेरे फ्रेंड्स कहाँ गए? तो पीछे हो गए। रुद्र रूपा महादेव
मिल जाएगा उनको भी। दूर जहां भी देखूं चारों तरफ यह जोगी योगी और है साधु। ये झरने ये नदियां बर्फ की चादर ओढ़े खामोशी से रम जाते हैं तुझ में भोले। बैरागी सन्यासी सब जपते रहते हैं शिव शंभु, ऐसा लगे ये तेरे ही है मेरे शंभु। शरण में आके तेरी भक्ति करे संगीत के मेरे साथ चले ऊंची ऊंची।